प्यार इश्क मोहब्बत इन सब की कोई उम्र नहीं होती। कब किस उम्र में किसको किससे प्रेम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं इश्क का रंग जब चढ़ता है तो ना कानून आड़े आता है और ना ही कायदे। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़ कर लाने के वादे तक कर लेता है। ऐसे ही इश्क का रंग आजकल जालौर जिले के जसवंतपुरा थाने में तैनात एक थानेदार पर भी चढ़ा हुआ। प्यार में पींगे मार रहे इस थानेदार साहब को इश्क का भूत ऐसा चढ़ा कि उन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ख्याल था और ना ही प्रदेश सरकार के नियम कायदों की सुध रही। सारे नियम कानूनों को साइडलाइन करते हुए इन दबंग थानेदार साहब ने अपनी प्रेमिका के घर पर मकान बनाने के लिए प्रतिबंधित बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली भिजवा दी, वो भी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में। ये सब हम अपनी मनमर्जी से नहीं कह रहे, ये सारा वाक्य थानेदार और उनकी कथित प्रेमिका के बीच हुई बातचीत के एक वायरल ऑडियो ने जग जाहिर कर दिया। जिस थानेदार को इश्क हुआ है उनकी उम्र लगभग 55 के आसपास है। वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन उनके दिल की उमंगे है कि अभी भी वे एक युवा आशिक की तरह हिलोरे मार रहे हैं। तभी तो थानेदार जी की बीवी जब बाजार में सामान खरीदने गए तो थानेदार ने अपनी प्रेमिका को फोन करके 5 मिनट के लिए ही सही घर पर आने का न्योता दे दिया। उसके बाद जब ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसकी खबरें चैनल्स पर चलने लगी तो थानेदार साहब के इश्क का भूत उतर गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने थानेदार शाबिर मोहम्मद को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह का कहना है कि और वो सामने आया है, इसी के आधार पर जसवंतपुरा थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। मामले की जांच कराई जा रही है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे